दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इस फ्रेम में दोस्तों सोना कोट कैसे लगाते हैं और बिल्कुल अच्छे तरीके से कैसे कोटिंग किया जाता है दोस्तों। और आज की इस वीडियो में सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ कोटिंग करने का। तो दोस्तों अगर आप इस फ्रेम में कोटिंग करना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हमारे पास ये सोना कोट है और ये सेंसिटाइजर है जो कि हमने पानी में मिक्स करके इसको सेंसिटाइजर को बना लिया है। और दोस्तों इसको मिलाने के बाद हमने यहाँ पे एक पेस्ट तैयार किया है जो कि दोस्तों इसको सोना कोट में सेंसिटाइजर कैसे मिक्स किया जाता है इस पर भी मेरा वीडियो आने वाला है, तो आप इस वीडियो को अभी लास्ट तक देखें। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सोना कोट को यहाँ पे बना के इस डब्बे में रख लिया है। तो चलिए दोस्तों यहाँ इस डब्बे को ओपन करते हैं। और दोस्तों सबसे पहले इस डब्बे में बनाया हुआ सोना कोट है उसको एक बार दोस्तों इसको अच्छे से मिला देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फ्रेम में कुछ इस तरह से सोना कोट डालना है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पे सोना कोट को गिराना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम स्केल से कोटिंग करने वाले हैं। आप स्केल के जगह से एटीएम कार्ड वगैरह भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से सोना कोट गिरेगा दोस्तों, तो सबसे पहले स्केल को पूरा ऐसे करके मिला के पूरा गीला कर लेना है। और गीला करने के बाद दोस्तों इसको ऐसे करके पकड़ना है, तो इसको दोस्तों नीचे की ओर खींचना है। उसके बाद दोस्तों सेम इसी तरह से आपको इसको भी नीचे खींचना है। उसके बाद दोस्तों फिर से आपको एक बार यहाँ से ऊपर खींचना है और यहाँ से फिर से एक बार ऊपर खींचना है। तो दोस्तों इसमें से जो भी सोना कोट आएगा उसको आप फिर से डब्बे में इसमें रख सकते हैं। फिर से दोस्तों आपको सोना कोट को बिल्कुल अच्छे से मिलाना है दोनों साइड में, कहीं भी गाढ़ा और पतला नहीं होना चाहिए, कोटिंग जो है सो पूरा बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों अगर आप दिन में कोटिंग करते हैं तो आपको अंधेरे में कोटिंग करना है, अगर आप लाइट में कोटिंग करेंगे दोस्तों तो ये सोना कोट पूरा जल्दी जल्दी सूख जाएगा, तो आपको कोटिंग करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो दोस्तों अगर आप पुराने हो गए एक्सपीरियंस हो गए तो आप किसी तरह से भी कोटिंग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट दोस्तों आप जब नए नए रहेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से कोटिंग करना है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह से दोनों साइड से बिल्कुल अच्छे से कोटिंग कर देना है ताकि हमारा कहीं भी गाढ़ा और पतला ना रहे, बिल्कुल ये बराबर रहना चाहिए। आप ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कोटिंग जो है सो बिल्कुल अच्छे से हो गया। थोड़ा सा दोस्तों आप देख सकते हैं बीच में लाइन के जैसा आया, एक बार फिर से दोस्तों इसको सेक कर देंगे ताकि हमारा जो कोटिंग है वो बिल्कुल बराबर हो जाए। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों कोटिंग जो है सो बिल्कुल अच्छे तरीके से हो गया और बिल्कुल चारों साइड में कहीं भी दोस्तों यहाँ पे कम और ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों इसको जो है सो अंधेरे में सुखाना है, और मतलब धूप वाला लाइट से नहीं सुखाना है इसको। और दोस्तों आप इसको हेयर ड्रायर से भी सुखा सकते हैं और फैन के सामने भी सुखा सकते हैं रख के, या तो आप इसको दोस्तों ऐसे ही नॉर्मल रख देंगे तो भी दोस्तों ये सूख जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको जल्दी में सुखाना है तो आप फैन के सामने इसको रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको हम सुखा लेते हैं, फिर आगे का वीडियो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा फ्रेम जो है सो बिल्कुल अच्छे तरीके से सूख गया, दोनों साइड आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। दोस्तों ये सूखने के बाद दोस्तों इस तरह से कुछ आवाज़ निकलेगा, तो आप इसका आवाज़ भी ऐसे सुन सकते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल कच्चा नहीं रहना चाहिए, जब दोस्तों ये पूरा फ्रेम जो है सूख जाए इसका सोना कोट बिल्कुल अच्छे से, तो आप दोस्तों तो ही आप इसको एक्सपोज करें, नहीं तो दोस्तों ये आपका मीटर जो है सो धुल जाएगा अगर कच्चा रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे पास जो मीटर अभी हमें एक्सपोज करने वाले हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कार पोस्टर का मीटर है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये वाला कार्ड पोस्टर है। तो दोस्तों कोई भी मैटर आप एक्सपोज कर रहे हैं, चाहे वो शादी कार्ड का हो या कैलेंडर का हो, कोई चीज़ का भी दोस्तों मैटर हो, आप सबसे पहले दोस्तों उसका साइज को देख सकते हैं, नाप के पहले आप नाप के देख लेना, उसके बाद ही दोस्तों फ्रेम पे एक्सपोज करना मैटर को, नहीं तो दोस्तों आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इसका साइज़ जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बैठ गया है। अब दोस्तों हम इसको एक्सपोज करने वाले हैं। तो एक्सपोज करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं ये हमारा फ्रेम है, और दोस्तों ये हमारा लाइट बॉक्स है।
इसमें से 6 LED लगाया हुआ है और इसमें दोस्तों 4 mm का ग्लास लगा है। दोस्तों अगर आप ये लाइट बॉक्स का वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि इस तरह से लाइट बॉक्स को कैसे बनाते हैं बिल्कुल कम खर्चे में, तो दोस्तों आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम मीटर को इस लाइट बॉक्स में रखेंगे इस तरह से। दोस्तों जो ये वाला जो अच्छा है तो आप देख सकते हैं ऊपर की ओर रहना चाहिए, तो इस तरह से रखेंगे। उसके बाद दोस्तों फ्रेम को कुछ इस तरह से इस पे बैठा लेना है, आप ये देख सकते हैं। इसको दोस्तों बिल्कुल अच्छे से बैठाना है ताकि हमारा जो मीटर है वो बिल्कुल सीधा रहे, तो टेढ़ा ना रहे। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसको सीधा करके बैठा लेना। उसके बाद दोस्तों ये वाला गद्दी जो है सो इसके ऊपर में रख देना है, और गद्दी रखने के बाद दोस्तों इस तरह से कुछ प्लाई का टुकड़ा इसमें हम यहाँ पे रख देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ भारी सामान रख देते हैं ताकि हमारा जो मीटर है वो इधर उधर हिले नहीं और बराबर बैठा रहे, तो इसके लिए हम ये वाला रख दे रहे हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसका लाइट को चालू करना है, जो कि आप इसका देख सकते हैं प्लग यहाँ पे है। तो दोस्तों सबसे पहले लाइट को चालू करने से पहले हम यहाँ पे टाइमर चालू करेंगे, तो टाइमर जो है दोस्तों वो हम सोनाकोट के हिसाब से दिखाएंगे, जिस तरह से सोनाकोट मिक्सिंग रहेगा उस तरह से। तो यहाँ पे दोस्तों हम 4.5 मिनट के लगभग टाइमिंग दिखाएंगे, तो चलिए दोस्तों यहाँ से हम टाइमर को स्टार्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ लाइट को भी जला देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने लाइट भी जला दिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइमर भी हमारा चल रहा है। तो दोस्तों ये जब 4.5 मिनट हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मीटर मेरा कैसा एक्सपोज हुआ है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू। यहाँ पे दोस्तों हमारा 4.5 मिनट का टाइमिंग जो है सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट हो गया। दोस्तों अब हम इस लाइट को बंद कर देंगे। तो दोस्तों मैंने जो लाइट जो है सो इसका बंद कर दिया है। अब दोस्तों इसको निकालेंगे और इसमें पानी डाल के दोस्तों मीटर खोलेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इसको निकाल लेते हैं। अब ये देख सकते हैं दोस्तों हमारा फ्रेम जो है सो यहाँ से हम निकाल चुके हैं दोस्तों। अब इसमें पानी डाल के दोस्तों इसका मीटर खोलेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा फ्रेम है और हम इसमें पानी डालेंगे। तो दोस्तों बिल्कुल सादा पानी रखना है। तो यहाँ से दोस्तों इस तरह से कुछ फ्रेम को पहले गीला कर लेना है पानी डाल के दोनों साइड से। उसके बाद दोस्तों गीला करने के बाद उसको ऐसे पानी डाल के छोड़ देना है। दोस्तों इसे हल्का हल्का इसको हिलाना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो मीटर है वो बिल्कुल फूलने लगा है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से पानी डालने के बाद दोस्तों मीटर फूल जाता है। तो दोस्तों ये जो है सो बिल्कुल चिपचिपा नहीं रहना चाहिए। आप देख सकते हैं इसमें हाथ लगाने के बाद दोस्तों चिपचिप नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगर ये चिपचिपा रहेगा तो ये मीटर फिर से धुल जाएगा और दोस्तों ये प्रिंट नहीं होगा और ये फिर से आपको दोस्तों करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं हमारा मीटर बिल्कुल अच्छे से खुल गया है। आप ये देख सकते हैं दोस्तों इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, अच्छे से मीटर खुल गया। थोड़ा सा पानी डालने पे ही दोस्तों, तो चलिए हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के दोस्तों मीटर को थोड़ा साफ कर लेते हैं अच्छे से। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा मीटर जो है सो बिल्कुल अच्छे तरीके से खुल गया है। और दोस्तों ये जो मोटा अक्षर वाला मीटर रहता है दोस्तों इसको खोलने में ज़्यादा परेशानी नहीं होता है, ये तुरंत बिल्कुल आराम से खुल जाता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों अगर आप कार पोस्टर कैसे प्रिंटिंग होता है वो आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे बने रहें दोस्तों, उसका भी वीडियो जल्दी आने वाला है। तो आप इसके बाद नेक्स्ट वीडियो दोस्तों वही आने वाला है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।